हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए बजाज सी टी 100 का एक्चुअल शोरूम लुक, हाउ द बाइक लुक्स इन द शोरूम। तो ओवरऑल दोस्तों, ये एक वॉक अराउंड वीडियो रहने वाला है इस बाइक के बारे में। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसकी डिटेल स्पेक्स के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, ये एक मास सेगमेंट की बाइक है बजाज की तरफ से। जनरली आप बोल सकते हैं कि रूरल इंडिया में काफ़ी पॉपुलर बाइक है, 100 सीसी की बाइक है। तो जिनको भी एक माइलेज बाइक चाहिए होती है, एक अच्छे एवरेज वाली बाइक चाहिए होती है, जैसे कि प्लैटिना है, उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसी की तरह ये बजाज की सी टी है। तो बहुत ही एक, आपको अगर एक एवरेज बाइक, माइलेज बाइक आप चाहते हैं अपनी एक कम रेंज में, अच्छी प्राइस रेंज में, तो वो आपको ये बाइक मिलती है बजाज की तरफ से। एक अगर आप ओवरऑल जो इसके स्कीम की बात करते हैं, डिज़ाइन स्कीम की बात करते हैं, तो जिस रेंज की बाइक उस हिसाब से आपको बहुत अच्छी डिज़ाइन, जो पूरी लैंग्वेज है बॉडी पे ऊपर, वो मिल जाती है। आप अगर साइड्स की बात करते हैं, तो आपकी ये ड्रम ब्रेक वेरियंट है, दोनों साइड आप देख रहे हैं, एक एंट्री लेवल बाइक है, तो वैसे ही आपको सारे इसमें फंक्शनैलिटी मिलती है। ड्रम ब्रेक हैं, डिस्क ब्रेक आपको इसमें नहीं मिलते हैं। बात करते हैं इसके इंजन की, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 100 सीसी का इंजन आपको इसमें मिल जाता है और बहुत ही पॉपुलर बाइक है। जैसे आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि रूरल इंडिया में, खासतौर से अर्बन में भी चलती है, जिनको लॉन्ग डेली कम्यूट्स करने होते हैं वो इस बाइक को 100% प्रेफर करेंगे। लाइट्स की बात करते हैं, तो आपको नॉर्मल हेडलैम्प्स इसमें मिल जाते हैं, ब्रॉड एरिया है तो काफ़ी आपको अच्छी विजिबिलिटी इसमें मिलेगी। दोस्तों, दूसरी साइड से बाइक भी दिखा देता हूं आपको, तो पूरा सिल्वर फिनिश में आप देख रहे हैं, पूरा जो इंजन है सिल्वर और ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाता है, जो एक ठीक ठाक लुक बाइक को देता है, एक अच्छा लुक देता है बाइक को। अब चलते हैं दोस्तों, ऊपर से आपको पूरी बाइक दिखा देते हैं कि ऊपर से बाइक कैसी लगती है। तो आपका जो ग्रैब हैंडल है पिलियन के लिए, सिल्वर फिनिश के ऊपर मिल जाता है। चलते हैं आगे की तरफ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीट की क्वालिटी भी ठीक है, जिस रेंज की बाइक के हिसाब से आपको ठीक ठाक सीट क्वालिटी मिल जाती है। जो फ्यूल टैंक है बिल्कुल एक सेम लेवल पे आता है सीट के ऊपर, कोई आपको बम्प नहीं मिलता है यहाँ पे, जैसे कि और बाइक्स में मिलता है आपको, जो स्टाइलिश बाइक्स मानी जाती हैं। आगे की तरफ चलते हैं, जो इसका मेन कंसोल है, पूरा आपको एनालॉग कंसोल मिल जाता है। ये आपका स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे आपका फ्यूल गेज हो गया। इधर आप देखते हैं आपका जो हैंडल्स पे नॉर्मल जो बटन्स हो गए आपके, इलेक्ट्रिक स्टार्ट का हो गया, ये आपका इधर देखते हैं आप, तो हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, इंडिकेटर और हॉर्न का आपको मिल जाता है। तो एक मास सेगमेंट की बाइक बनाने की कोशिश की है हीरो ने, सॉरी बजाज ने, प्लैटिना की तरह ये पूरी बाइक है। आपको प्लैटिना से कम रेंज में ये लगभग बराबर में आपको मिल जाती है, जो इसका प्राइस का डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको, आपके इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, वो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कंपनी का, तो आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तब तक लिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक दोस्तों, देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।